औषधीय गुणों से भरपूर है दूब घास। जी हाँ, आज का हमारा यही टॉपिक है, औषधीय गुणों से भरपूर है दूब घास। दूब या दुर्वा वर्ष भर पाई जाने वाली घास है जो जमीन पर पसरते हुए या फैलते हुए बढ़ती है। हिंदू धर्म में इस घास को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। हिंदू संस्कारों एवं कर्मकांडों में इसका उपयोग बहुत किया जाता है। इसके नए पौधे बीजों तथा भूमिगत तनों से पैदा होते हैं। वर्षा काल में दूब घास अधिक वृद्धि करती है तथा वर्ष में दो बार सितंबर अक्टूबर और फरवरी मार्च में इसमें फूल आते हैं। दूब संपूर्ण भारत में पाई जाती है। यह घास औषधि के रूप में विशेष तौर पर प्रयोग की जाती है। महाकवि तुलसीदास ने दूब को अपनी लेखनी से कुछ इस प्रकार से सम्मान दिया है, राम दुर्वादल श्यामं पद्मांशं पीतवाससा। जो दुर्वा की कपोलों से गणपति की उपासना करते हैं उन्हें कुबेर के समान धन की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप ने वनों में भटकते हुए जिस घास की रोटियां खाई थीं वह भी दूब घास से ही निर्मित थी। जी हाँ, दूब घास मनुष्यों के लिए पूर्ण पौष्टिक आहार है और इसे औषधि के रूप में विशेष तौर पर प्रयोग किया जाता है। दूब घास के हम औषधीय गुणों को जानते हैं। दूब यानी कि दुर्वा वर्ष भर पाई जाने वाली घास है। हिंदू संस्कारों एवं कर्मकांडों में इसका उपयोग होने के कारण इस घास का हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। दूब घास संपूर्ण भारत में पाई जाती है। दूब घास पशुओं के लिए ही नहीं बल्कि मनुष्यों के लिए भी पूर्ण पौष्टिक आहार है। अनेक औषधीय गुणों की मौजूदगी के कारण आयुर्वेद में इसे महाऔषधि में पाया गया है। दूब के पौधे की जड़ें तना पत्तियां सभी का चिकित्सा के क्षेत्र में विशिष्ट स्थान और महत्व है। आयुर्वेद के अनुसार दूब का स्वाद कसैला मीठा होता है। विभिन्न प्रकार के पित्त एवं कब्ज विकारों को दूर करने के लिए दूब का प्रयोग किया जाता है। दूब घास को पेट के रोगों, यौन रोगों, लीवर रोगों के लिए चमत्कारी माना जाता है। दूब में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। आइए आज हम जानते हैं इसके औषधीय गुणों के बारे में, रोगों में इसे लेने के उपाय जानते हैं। पहले दूब का रस 10 से 20 मिलीलीटर, जड़ का चूर्ण 3 से 6 ग्राम, पानी 40 से 80 मिलीलीटर, पत्तियों का चूर्ण 1 से 3 ग्राम, सबको मिलाकर इसका काढ़ा बनाकर पीजिए। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी आपकी। दूब घास शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करती है। इसमें मौजूद एंटीवायरल और एंटीमाइक्रोबियल गुणों के कारण यह शरीर की किसी भी बीमारी से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। इसके अलावा दूब घास पौष्टिकता से भरपूर होने के कारण शरीर को एक्टिव और एनर्जी युक्त बनाए रखने में बहुत मदद करती है। यह अनिद्रा रोग, थकान, तनाव जैसे रोगों में भी प्रभावकारी है। त्वचा संबंधी समस्याओं में लाभकारी। इसमें मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीसेप्टिक गुणों के कारण यह त्वचा संबंधी समस्याओं जैसे खुजली, त्वचा पर चकते और एक्जिमा इत्यादि समस्याओं से राहत दिलाता है। दूब घास को हल्दी के साथ पीसकर पेस्ट बनाकर त्वचा पर लगाने से समस्या से राहत मिलती है। इसके अलावा यह कुष्ठ रोग और खुजली जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में भी मदद करता है। दूब का रस पीने से बार बार लगने वाली प्यास बुझ जाती है। इससे पेशाब खुलकर होने लगता है। इसके साथ ही ब्लड की अनावश्यक गर्मी शांत होकर त्वचा विकार दूर होने लगते हैं। महिलाओं की समस्याओं से राहत दिलाती है दूब। दूब UTI यानी कि यूरिन मार्ग के संक्रमण के उपचार में प्रभावकारी रूप से काम करती है। साथ ही प्रोलेक्टिन हार्मोन को उन्नत करने में मदद करने के कारण यह स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए भी लाभकारी होता है। इसके अलावा दुर्वा के प्रयोग से महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं जैसे ल्यूकोरिया, बवासीर इत्यादि से राहत मिलती है। समस्या होने पर दही के साथ दूब घास को मिलाकर सेवन करें।
अगर आपको एनीमिया है तो वो भी दूर करती है दूब घास। दूब के रस को हरा रक्त कहा जाता है क्योंकि इसे पीने से एनीमिया की समस्या को ठीक किया जा सकता है। दूब ब्लड को शुद्ध करती है एवं लाल रक्त कोशिकाओं को बढ़ाने में मदद करती है, जिसके कारण हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ता है। इसके अलावा यह आँखों के लिए भी अच्छा होता है क्योंकि इस पर नंगे पैर चलने से नेत्र ज्योति बढ़ती है। मानसिक रोगों में भी ये बेहद लाभकारी औषधि है। दूब ठंडी तासीर वाली औषधि है, इसलिए दूब का ताज़ा रस मिर्गी, हिस्टीरिया इत्यादि मानसिक रोगों में प्रयुक्त होता है। दूब के काढ़े से कुल्ले करने से मुंह के छाले मिट जाते हैं। दूब को पीसकर मस्तिष्क पर लेप करने से नक्सीर भी बंद हो जाती है। पाचन शक्ति को भी ये बढ़ाती है। दूब घास के लगातार सेवन से पेट की बीमारी का खतरा काफ़ी हद तक कम होता है और पाचन शक्ति भी बढ़ती है। यह कब्ज, एसिडिटी से राहत दिलाने में भी मदद करती है। दूब का रस पीने से पीत से होने वाली उल्टी ठीक हो जाती है। इसके अलावा ये अन्य बीमारियों में भी कुछ एक लाभकारी है, जैसे कि दूब घास फ्लेवोनोइड्स का मुख्य स्रोत है, जिसके कारण यह अल्सर को रोकने में मदद करती है। दूब में ब्लड में ग्लूकोज के स्तर को कम करने की क्षमता होती है, जिससे डायबिटीज को ये कंट्रोल करती है। दूब ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम कर दिल को मजबूती प्रदान करती है। यह सर्दी, खांसी एवं कफ समस्याओं को दूर करने में मददगार है। तो देखा दोस्तों आप सभी ने कि दूब आप सभी के लिए कितनी लाभकारी साबित हो सकती है अगर आप इसका सदुपयोग करते हैं। तो ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।